हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं हाउ टू रिमूव फॉलिस कैथेटर, यानी फॉलिसर कैथेटर को कैसे रिमूव किया जाता है। जैसा कि एक पेशेंट लेटा हुआ है जिसको फॉलिस लगा हुआ है, यहाँ पे दो पोर्ट है। एक पोर्ट जो है जो कि यूरोपे की पाइप के अंदर लगा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं यूरिन ड्रेनेज पोर्ट। और दूसरा वाला जो पोर्ट जिसको मैं हाथ लगा रहा हूँ अभी, ये वाला जो पोर्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं बैलून पोर्ट। इस बैलून पोर्ट के अंदर जो अपने स्टाइल वाटर डाले हुए रहते हैं उसको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको रिमूव करना होता है। तो एक 10 ml की सिरिंज आप लेते हैं और जो स्टाइल वाटर आपने डाला हुआ होता है उसको आप सबसे पहले इस सिरिंज के से रिमूव कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने रिमूव किया, उसके बाद कुछ और रह गया है इसके अंदर, तो आप जो है वापस से सीरीज लगा करके इसको जो है जितना स्टल वाटर अंदर में है उसको पूरे को रिमूव कर लेते हैं। जैसा कि जब स्टल वाटर पूरा आ जाता है उसके बाद में क्या करना होता है कि आपको जो यूरिनरी जो कैथेटर या फॉलिस कैथेटर को धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से हल्के हल्के हाथों से इसको बाहर की तरफ खींचना होता है। खींचने के बाद में देख सकते हैं कि अपना जो फॉलिस कैथेटर रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार से आप भी जो है फॉलिस कैथेटर को रिमूव कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर जरूर से दबा लें। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।